सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको निकाल कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया देके आते। नमस्कार, मैं हूँ शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर को चैलेंज करने वाली आदिवासी छात्रा निर्मला का आक्रामक अंदाज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ पत्रकारों ने सबसे पहले इस लड़की का इंटरव्यू किया। वह बोली, ये अफसर पब्लिक के लिए ही हैं और हमारी ही नहीं सुनते। ये लोग 5 मिनट धूप में खड़े नहीं रह सकते, हम 2 से 3 घंटे तक वहाँ धूप में प्रदर्शन कर उन्हें बुलाते रहे, ये हमारी बात सुनने नहीं आए, इसलिए गुस्सा था। आपको बता दें, निर्मला शासकीय गर्ल्स कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उसका कहना है कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना होगा। इधर मामला बढ़ने के बाद निर्मला को कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने शुक्रवार को मिलने बुलाया है। कलेक्टर का कहना है कि मैं उनसे नहीं मिल पाया, उनकी मांगों की जानकारी मुझे है, जिसे जल्द हल किया जाएगा। झाबा जिले में ये एलएलबी का ये नहीं है और मेडिकल कॉलेज नहीं है और ये बस का किराया माफ़ नहीं करते, इसलिए हम ये मांगे लेके गए थे कलेक्टर ऑफिस में। तो कलेक्टर ऑफिस में 2-3 घंटे तक वहाँ धूप में खड़े रहे, पर इतने देर खड़े रहे पर तब भी कलेक्टर ऑफिस हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये बोला कि आप 5 मिनट धूप में खड़े रह के बताइए हमारे जैसे आदिवासी लोगों के लिए आप बने या फिर किसी और के लिए, किसके लिए बने सरकार, बोला मैंने। अच्छा, आपने कहा कि हमको कलेक्टर बना दो, हम सब मांग कर देंगे, तो सपना क्या है, कलेक्टर ही बनना है कुछ और सोच रखा है? आर्मी का, आर्मी में जाना है। हाँ, मेरे भाई बहन से यही निवेदन है कि हमारे जैसे लड़ना सीखे और अपना अपना अधिकार अधिकार मांगे। जब पत्रकारों ने इस बेपाक लड़की से बातचीत की तो उसने कहा, मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, मुझे सच बोलना पसंद है, यही सोचती रहती हूँ कि अपने बात कैसे दूसरे के सामने रखूँ, दिमाग में हर समय यही चलता है, सिस्टम की लचर व्यवस्था के खिलाफ शुरू से ही गुस्सा है, पहले ये गुस्सा कम था अब बढ़ने लगा है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, हम 7 भाई बहन हैं, आर्मी पसंद है इसलिए आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहती हूँ। निर्मला ने कहा, सच्चाई की आवाज़ दूर तक जा रही है, मैं जिंदा हूँ तब तक बोलती रहूंगी, चुप नहीं बैठूंगी, राजनीति भी करूंगी चाहे मुझे कोई इनाम मिले या ना मिले, मेरे कमरे से कॉलेज 3 किलोमीटर दूर है, रोज पैदल जाती हूँ, मुझे पैदल चलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने दूसरों के लिए आवाज़ उठाई थी। मैं हाथ जोड़कर भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाज़ उठाएं, लड़ना सीखें, अधिकारों के लिए संघर्ष करें। अवाम को बताएंगे कौन है कलेक्टर को ललकारने वाली ये लड़की निर्मला। निर्मला अलीराजपुर जिले के खंडाला कुसाल गांव की रहने वाली है। फिलहाल वह झाबुआ के गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है। उसके पिता किसान हैं। इसी साल उसने बीए फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है। उसने बताया कि उसे ना तो आवास राशि मिल रही है और ना ही छात्रवृत्ति और ना ही दूसरी सुविधाएं। कलेक्टर ने आकर उससे बात तक नहीं की, उनका यही रवैया देख कर उसे गुस्सा आ गया था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि निर्मला को गुस्सा क्यों आया था। अलग अलग समस्याओं को लेकर पीएफ कॉलेज के छात्र छात्राएं एनएसयूआई की अगुवाई में सोमवार को कलेक्टर सोमेश मिश्रा को ज्ञापन देने पहुंचे थे। कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आए तो स्टूडेंट्स का शब्द टूट गया, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, छात्राएं भी नारेबाजी करने लगी। निर्मला कह रही थी कि हम दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, कलेक्टर के पास मिलने तक का समय नहीं है, यदि वे समस्या दूर नहीं कर सकते तो हमें कलेक्टर बना दीजिए। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है, इसमें दावा किया जा रहा है कि निर्मला को झाबुआ का 2 दिन के लिए कलेक्टर बनाया गया है। मामले में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि फिलहाल उन्हें ऐसी जानकारी नहीं है। कलेक्टर का कहना है कि शुक्रवार को वो निर्मला से मिलेंगे। झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा का कहना है कि वे छात्र छात्राओं की मांगों को जल्दी पूरा करेंगे। छात्राओं की शिकायत थी कि बस में कुछ लोग गाली गलौज भी करते हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जिले में छात्राओं के लिए फ्री यूपीएससी की कोचिंग जल्द शुरू की जाएगी, इसमें 100 सीटें हैं। झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा का कहना है कि वे छात्राओं की मांगों को जल्दी पूरा करेंगे। छात्राओं की शिकायत थी कि बस में कुछ लोग गाली गलौज भी करते हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जिले में छात्राओं के लिए फ्री यूपीएससी की कोचिंग जल्द शुरू की जाएगी, इसमें 100 सीटें होंगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।